हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं सैलून आई हूँ। आज संडे है और मेरी फ्रेंड भी फ्री थी, तो आज हमने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो जैसा आप जानते हैं, कल जन्माष्टमी है, तो आज हम करने वाले हैं राधे रानी का लुक रिक्रिएट। सो रिक्रिएट नहीं, लुक क्रिएट करने वाले हैं। मतलब राधा रानी का हमने कुछ सोचा है कि वैसा करके लुक क्रिएट करते हैं और वीडियो शूट करते हैं। सो बस अभी मैं सैलून आई हूँ और अभी 3 बजने वाले हैं और हमने बहुत लेट कर दिया है, तो जल्दी से अब तैयारी करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो पहले हम अभी ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं, तो लेट्स सी कैसे बनती है। चल मन्नू, खड़े हो जा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास ऐसी ज्वेलरी है, मे बी जो ऐसी नहीं होती, ऐसे है मेरे पास जो है हल्दी, तो मेहंदी वाली नहीं। हाँ है। देखते हैं, अगर ड्रेस के साथ चलती है वो तो उसको पहनते हैं, नहीं तो मैं कुछ जो लाई, क्योंकि हमारा हमारा एंड मौके पे ये प्लान बना कि आज कुछ शूट करते हैं, तो और संडे भी है तो करते हैं अभी। और हमारे पास कोई प्लानिंग करके कुछ भी नहीं कर रहे हम, हमारा जस्ट सडन प्लान बना कि राधा लुक क्रिएट करते हैं और शूट करते हैं। हम दोनों ही यहाँ पे, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम दोनों अभी ये ड्रेसेस रखी है यहाँ पे। लेट्स सी पहले हम कौन सी करने वाले हैं और आपको भी बताते हैं, फिर उसके बाद हम मेकअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी वैनिटी ओपन कर ली है, तो अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर ट्रांजिशन वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी मनीषा मेरे को टॉन्ट मारती है कि तूने मुझे पहले बताया होता तो अभी हम प्लान करके करते, कुछ अच्छा सा करते, बट अभी जितना होता है हम लोगों से उतना करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। लेट्स सी कैसा निकल के आता है, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। यहाँ पे रिंग लाइट लगाई जा रही है, सेटअप लग रहा है मतलब। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी लाई है, देखते हैं कौन सी हम कैरी करेंगे। हाँ ये अच्छी लगाएगी, ये जो कलरफुल है ना। हाँ ये वाली, अरे एक वो नहीं गिर गया, ये बहुत अच्छी जाएगी। इसके साथ रिंग भी है, सब कुछ है अपने पास। मांग टीका भी है, बीच हमारे पास ये भी है, इयररिंग है, ये भी इयररिंग है, ये अच्छा है ना फिर। हाँ ये वाला अच्छा है। तो ज्वेलरी होगी हमारे पास, और भी है, मतलब हमारे पास बहुत ऑप्शन है ज्वेलरी के, ड्रेसेस के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा है ना। हाँ ये अच्छा लगेगा। हाँ इसके साथ अच्छी आएगी, भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं, मतलब हमारे पास कुछ भी ऐसे प्लान नहीं था तो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं। तो अभी हम आई मेकअप कर रहे हैं और आपको बताते हैं हम बाद में, है ना। तो अभी आई मेकअप डन हो गया है और अभी मेकअप करेंगे स्टार्ट। हमारी मेकअप आर्टिस्ट कुछ कुछ कर रहे हैं बीच में, और यहाँ पर आंचल आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए। क्या सच्चाई, मतलब कि आंचल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है वहाँ बैठ के। नहीं यार चलो करते हैं अब शूट जल्दी से। तो बस फिर हमने मेकअप स्टार्ट कर दिया, और जैसा मैंने आपको बताया ये अनप्लान शूट था, कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो 3 बजे के अराउंड हमने मेकअप स्टार्ट कर दिया था और 6:30 बजे के करीब हम शूट करके भी फ्री हो गए थे, थैंक्स टू मनीषा जिसने इतने कम टाइम पे इतना प्यारा, इतना ग्लोइंग मेकअप दिया मुझे, और इतना अच्छा लुक आप देखना आगे जाके कितना प्यारा लग रहा था राधा रानी का लुक। आप ज़रूर ब्यूटी गार्डन सैलून को कॉन्टैक्ट करना अगर आपने कोई भी बुकिंग करवानी है तो। यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल कर रहे हैं, अभी हमारा मेकअप हो गया है, हेयर स्टाइल भी हो गया है। क्या बोल रही है? मैंने बोला कि जैसे अनप्लान्ड मेकअप वीडियो। हाँ, और मेकअप इतना प्यारा हुआ है, इतना प्यारा हुआ है ना। अब जैसे लाइट नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे मेरी लाइट पर बताऊँगी, इतना प्यारा मेकअप किया। और अभी बस हम ट्रांजिशन वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में भी, और जल्दी आ जाता हूँ लगा लेते। अभी राधा रानी का पूरा लुक नहीं आया है जैसा आप देख चुके हैं, और अब फिर से करते हैं स्टार्ट और आपको मिलते हैं बाद में। तो अभी हमने वो डॉट्स लगाना है यहाँ पे,
तो रेड कलर की तो हमारे पास बिंदियाँ वगैरह सब कुछ है। वाइट हम चंदन लाए थे, लेकिन ये जो है वीडियो में थोड़ा सा येलोइश सा लग रहा है, तो लुक थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो अभी हमने क्या दिमाग लगाया कि इसमें हम पाउडर मिक्स कर रहे हैं, आएगा वाइट तो नहीं आएगा, येलो ही आएगा, ये वाटर कलर ही होंगे। मैं तो इसका ना मेरे फ़ोन से कर निकल रहा हूँ, तो फोन से ले लेते हैं जल्दी कर दो। नो नो, 5 यहीं बज चुके हैं, और कब हमारी वीडियो शूट होगी? बाहर धूप है अभी, धूप तो नहीं पर अच्छा है, मतलब हो जाएगा ठीक। चलो करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। जिसको बोलते हैं असली जुगाड़, हमारे पास बिंदी भी रेड कलर की, थोड़ी मीडियम साइज़ की नहीं थी, या फिर बड़ी थी तो बहुत बड़ी थी, छोटी थी तो बहुत छोटी थी, तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की मिली, वो कलरफुल मिली, तो इनमें रेड लिपस्टिक लगाई जा रही है ताकि रेड कलर की बिंदी आ जाए। सो गाइस, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैं राधा रानी की आइटम में कैसी लग रही हूँ। तो ये आज का मेरा गेटअप है राधा रानी का, आप मुझे कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मेकअप आप देख सकते हो कितना प्यारा किया है, पर इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स किसको जाता है? थैंक यू मनीषा को। तो बस अभी हम आउटडोर शूट के लिए जा रहे हैं, तो आपको बाद में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, अभी हम निकलते हैं आउटडोर शूट। तो अभी हम निकल रहे हैं आउटडोर के लिए, बाहर शूट करते हैं, आपको भी बाहर ही मिलते हैं। यार बाहर मेरे को और तो कुछ नहीं, इतने मेकअप में ना शर्म आती है, मुझे इतनी शर्म आ रही है ना यहाँ पे। जा रहे हैं अभी हम हर्बल गार्डन जाएंगे शूट करने के लिए। हाँ इधर साइड में कर दो खड़ी इधर, हाँ क्योंकि गाड़ी आने का डर रहता है ना फिर। चल ठीक है, यस। तो अभी हम हर्बल गार्डन आए हैं, यहाँ पे शूट करते हैं, और थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि लोग थे वहाँ पे देख रहे थे, तो अभी हम शूट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं राधा रानी के लुक में कैसी लग रही हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इतना अच्छा अगर मेकअप आप भी करवाना चाहते हो तो मनीषा के पास ज़रूर आना। तो गाइस अभी हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, अब 7 बज गए हैं और रात शाम के, तो अभी हम निकलते हैं वापस, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और कल प्रिय को मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ भाई, इतने ज़्यादा मच्छर है, इतने ज़्यादा मच्छर है ना, मतलब पूरी लाल हूँ मैं इस टाइम पे, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह मच्छर ने काटा है। तो बस अभी हमारा शूट हो गया है, और आप ये मेरा ग्लोइंग सा मेकअप देख सकते हो, मतलब सूरज भी ढल गया है लेकिन मेरा मेकअप नहीं ढला अभी, कितनी अच्छी बात है। बस तो अभी चलते हैं वापस, मेकअप रिमूव करते हैं, और तो गाइस अभी हमारा शूट कंप्लीट हो गया, और अभी हम सैलून जाएंगे, मेकअप रिमूव करूंगी और वापस रूम जाऊंगी। तो गेट पता नहीं यार लॉक किया हुआ है कि, लॉक तो नहीं होगा, नहीं वापस आ गए हैं मैं और मनीषा, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हर्बल गार्डन गए थे। मनीषा कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। किस बात का अच्छा? मच्छर ने काटा इस बात का है, इतने मच्छर थे वहाँ पे, इतना सुंदर था। हाय लाइट्स ऑन कर लो, इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन क्रिएटिवनेस दिखा दे लोगों। हमने इतना शूट किया, हमारे कल भी ओपन हो गए यहाँ पे। सो गाइज अभी हम शूट करके आ गए हैं वापस, और मच्छर ने बहुत ज़्यादा काटा हम दोनों को, मेरे तो स्लीवलेस थी तो बहुत ज़्यादा मच्छर ने काटा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा राधा रानी का लुक कैसा लगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका क्रेडिट मैं पूरा देती हूँ किसको? थैंक यू मनीषा को, ब्यूटी गार्डन सैलून की ऑनर मिस मनीषा को। बिल्कुल यार, आंचल को भी देते हैं, आंचल ने हमारी हेल्प की है थोड़ी बहुत। हाँ तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग हमारा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।